तो ये है अभी अपने पास Dell का Inspiron लैपटॉप। तो इसमें दिक्कत क्या है, लैपटॉप ऑन होते ही इसमें बीप की आवाज आती है, ऑन भी हो रहा है और डिस्प्ले भी आ रहा है, फिर भी इसमें बीप की साउंड कंटिन्यू आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पावर को ऑफ कर दें, लैपटॉप को ऑफ कर दें साइड में। लैपटॉप खोलने से पहले आप जो है नीचे कोई फॉर्म, टॉवल, कपड़ा या कोई प्लास्टिक की पन्नी वगैरह जरूर बिछा लें, जिससे कि आपके लैपटॉप में स्क्रेचेस ना आए। आपको दोबारा से ओपन करना है। अब आपको जो है इसके कीबोर्ड को सबसे पहले बाहर निकालना है। ये है स्पेस और ये है स्पेस, ये है स्पेस और एक यहाँ पे है। ये हमारे पास माइनस चिमटी है और इसी के सहारे हम कीबोर्ड को बाहर निकालेंगे। बहुत ही आसानी से कीबोर्ड आपका बाहर निकलेगा। जल्दबाजी ना करें वरना आपके लैपटॉप में खराबी आ सकती है। तो देख सकते हैं कीबोर्ड अनलॉक हो चुका है और जो है ये बाहर निकल आया है। अब इसके कनेक्शन को आप डिसेबल कर दीजिए। कनेक्शन को डिसेबल करने के लिए यहाँ से कीबोर्ड अनलॉक कर दें और कीबोर्ड को कर दें साइड में। इन चारों स्क्रू को आप ओपन कर लें। आप जब भी लैपटॉप खोल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जैसा लैपटॉप ये है ठीक वैसा ही लैपटॉप आपका हो, या जैसा लैपटॉप आपका हो वैसा लैपटॉप ये हो। हर लैपटॉप के मॉडल अलग अलग होते हैं और हर लैपटॉप के यूज अलग अलग होते हैं। हर लैपटॉप का लॉक, लैपटॉप का कीबोर्ड, हर लैपटॉप का स्क्रू, हर लैपटॉप की बनावट सब अलग अलग होते हैं। तो आप उसी अनुसार आप अपने लैपटॉप को खोलें। बैटरी को डिसेबल कर दें अब, और यहाँ पे आपको जितने भी स्क्रू दिखें आप सारे स्क्रू को ओपन कर लें। यह है रैम, इसमें दो रैम लगी हुई हैं। यह है राइटर, राइटर को आप बाहर कर दें। तो अगर आपके पास भी डेल का कोई भी मॉडल है और उसमें बीप की आवाज आ रही, बीप साउंड आ रहा है, उसमें बीप के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तीन बीप अगर आ रहा है तो उसमें कुछ अलग दिक्कत है, सात बीप आ रहा है तो उसमें कुछ और दिक्कत है, पांच बीप आ रहा है तो उसमें कुछ और दिक्कत है, चार बीप आ रहा है तो उसमें कुछ और दिक्कत है, मतलब कि हर एक बीप साउंड की जो है अलग अलग संख्या होती है, अलग अलग पहचान होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। पांच बीप साउंड आ रहा है उसी हिसाब से मैं इसको इस वीडियो को बना रहा है। ये सारे स्क्रू जो है खुल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस लैपटॉप के पैनल को ओपन करना है। लैपटॉप को सीधा करना पड़ेगा और यहाँ से इस कनेक्शन को भी आप डिसेबल कर दें। हल्के हल्के हाथ से इसको ओपन करना पड़ेगा, इन सभी साइड से जो है हल्के हल्के हाथ से ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दे रहा, ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से खुल जाता है। सारे स्क्रू आप इसके ओपन कर लें तभी ये आप लैपटॉप खोल पाएंगे। अनलॉक हो रहा है, पैनल इसका ओपन हो चुका है और ये अलग हो चुका है, पैनल को हमने अलग कर दिया है। और ये है मदरबोर्ड का एरिया। अब इसमें जो साउंड आ रहा था बीप साउंड, वो किस कारण और क्यों आ रहा था, आपके लैपटॉप में अगर बीप साउंड आ रहा है तो आप उसको क्वांटिटी करिए, कितने बीप साउंड आ रहे हैं, 1, 4, 5, 8, 7 कितने बीप साउंड आ रहे हैं। तो इसमें जो बीप साउंड आ रहा था वो बायोस बैटरी का आ रहा था, 5 बीप साउंड थे, जिस कारण इस बायोस बैटरी को हमें चेंज करना होगा। तो 5 बीप साउंड पे हम इस बायोस बैटरी को चेंज करेंगे और फिर ये है बायोस बैटरी, तो इसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और ये है अपने पास नए जो है बायोस बैटरी, इसको हम ओपन कर लेंगे। जिस जगह पे वो बैटरी लगी हुई थी ठीक उसी जगह पे इसको हम दोबारा से, तो ये बायोस बैटरी लग चुकी है। और अगर आपके पास ब्रश वगैरह हो तो ब्रश से आप अपने लैपटॉप को साफ कर दें, जिससे कि इसमें जो फंसी गंदगी, वो लैपटॉप खुला है तो उसकी गंदगी भी साफ हो जाए और धूल मिट्टी जितने भी हो वो हट जाए। बायोस बैटरी इसकी चेंज हो चुकी है, इसको ब्रश से साफ कर दिया है। और अब हम इस पैनल को दोबारा से इसमें लगाएंगे। तो पैनल को आपने जैसे ओपन किया था ठीक वैसे ही फिर से लगा दें
और चारों तरफ से इसको लॉक कर दें। ये देख सकते हैं चारों तरफ से लैपटॉप लॉक हो चुका है। अब इस पे जितने स्क्रू मैंने चार स्क्रू फ्रंट साइड से खोले थे उन सभी स्क्रू को हम दोबारा से ठीक उसी जगह पे लगा देंगे। चारों स्क्रू इसमें लग चुके हैं। अब इन सभी का कनेक्शन हम इसमें लगाएंगे ठीक वैसे ही जैसा कि कनेक्शन सबके लगे हुए थे। उन सभी कनेक्शन को आप दोबारा से इसमें जोड़ दीजिए। तो ये सामने का कनेक्शन भी लग गया है, सारे स्क्रू लग चुके हैं। अब आप चाहें और सबसे पहले आप कीबोर्ड का कनेक्शन इसमें लगा दें और इसको आप ऐसे आगे करेंगे, आगे की तरफ करते हुए आप ये कनेक्शन यहाँ से बराबर बैठा दें। तो ये बैठ चुका है कीबोर्ड और इसको हमने लॉक कर दिया, यहां से हमने इसको लॉक कर दिया बराबर बैठा कर इसको लॉक कर दिया। पैनल को अब नीचे गिरा देना है और लैपटॉप को दोबारा से बैक साइड पे लाना है और जितने स्क्रू हमने इसके ओपन किए थे सारे स्क्रू को फिर से हम इसमें लगाएंगे। तो ये सारे स्क्रू इसमें लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके डीवीडी राइटर को लगा दे रहे हैं। जो आपके नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें राइटर लग के नहीं आते हैं, इतने भी लैपटॉप आ रहे हैं इसमें स्लिम आ रहे हैं काफी, राइटर उसमें नहीं होते हैं, वीजे पोर्ट नहीं होते हैं। ये कम से कम 8-10 साल पुराना लैपटॉप है। लैपटॉप के सारे स्क्रू लग गए हैं, बैक पैनल भी लग गया है, बैटरी लग गई है, राइटर लग गया है। हम इसको दोबारा से ऑन करके चेक करते हैं। लैपटॉप तैयार हो चुका है, पावर ऑन कर रहे हैं, पावर ऑन हो चुका है और पावर ऑन होने के बाद देख सकते हैं आप सामने डेल लिख कर आ गया है और कोई भी बीप साउंड इसमें नहीं है। जो ऑन करते ही बीप साउंड आ रहा था वो बीप साउंड बंद हो चुका है। लैपटॉप आप देख सकते हैं लैपटॉप ऑन हो रहा है, सामने ऑन हो चुका है, कोई भी बीप साउंड नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।